आज के एपिसोड में हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं स्विगी के बारे में। स्विगी की शुरुआत 2014 में बेंगलुरु में की गई थी। स्विगी फूड डिलीवरी सेगमेंट के अंदर फर्स्ट मूवर है, यानी कि फूड डिलीवरी सेगमेंट के अंदर इन्होंने ही पहला एक पाउल लिया था, यानी कि फर्स्ट स्टेप लिया था और फूड डिलीवरी की शुरुआत की थी इंडिया के अंदर। लेकिन इनकी कुछ गलतियाँ थी, इनकी कुछ वीकनेसेस थी, जिसकी वजह से स्विगी जो है वो मार्केट में ठीक से सस्टेन नहीं कर पाया और जोमेटो आया और उसके बाद में वो मार्केट लीडर बन गया फूड डिलीवरी सेगमेंट के अंदर। आखिर वो वीकनेसेस क्या थी, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है ऋषि टोमरे, आप देख रहे हैं मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्विगी की वीकनेस की। तो वो है भैया पहली वीकनेस, टारगेटेड जोनल रेस्टोरेंट्स। अब स्विगी जब आया था ना, स्विगी क्या करता था, फूड आइटम्स की डिलीवरी जो है वो जल्दी से जल्दी करने के लिए वो जो है ना यूज़र को प्रायोरिटाइज करता था कि वो जो है वो अपने 3-4 किलोमीटर के अंदर के रेस्टोरेंट से ही सामान जो है ऑर्डर करे, फूड जो है वो ऑर्डर करे। ज़्यादा रेस्टोरेंट जो है ना वो ऑप्शन में नहीं देता था। इसकी वजह से होता ये था कि अगर फॉर एग्जांपल मैं स्विगी का यूज़र हूँ, अगर मुझे खाना 8 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट से मंगाना है जो कि मेरे लोकेशन से 8 किलोमीटर दूर है, तो स्विगी मुझे वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करता था। यही चीज़ जोमेटो समझ गया और जोमेटो ने इस चीज़ के ऊपर काम किया और ज़्यादा से ज़्यादा रेडियस फैला दिया, रेडियस के अंदर इंक्रीज ला कर रख दिया, जिसकी वजह से अब मैं जोमेटो के ऊपर से 8 किलोमीटर दूर से भी फूड जो है वो ऑर्डर कर सकता हूँ। यही चीज़ बाद में स्विगी को नोटिस हुई कि जोमेटो ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया और इसकी वजह से जोमेटो के ऑर्डर्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी गई। उसके बाद में स्विगी ने इस चीज़ को इम्प्रूव किया जल्द से जल्द मार्केट की हालात देखते हुए और मार्केट की डिमांड देखते हुए, नहीं तो उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता। स्विगी की जो सेकंड वीकनेस है ना वो है भैया लो क्वालिटी ब्रांड रिकॉल। अब मैं बोलूँगा लो क्वालिटी ब्रांड रिकॉल इसलिए क्योंकि स्विगी जो है वो टीवी कमर्शियल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है एज़ कम्पेयर टू सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर। लेकिन यही चीज़ जो है वो जोमेटो समझ जाता है। जोमेटो ने देखा कि स्विगी ने 750 करोड़ रुपये सिर्फ टीवी कमर्शियल्स के ऊपर खर्चा किया है। स्विगी क्या करता है, जब IPL वगैरह का क्रिकेट का सीजन आता है ना, तभी अपनी एडवर्टाइजिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है और जोर शोर से एडवर्टाइजिंग करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में स्विगी जो है बिल्कुल भी एडवर्टाइजिंग नहीं करता है, बस अपनी मीम मार्केटिंग करता रहता है इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, जो कि जोमेटो भी करता है। तो जोमेटो ने ध्यान दिया कि भैया क्यों ना हम सोशल मीडिया के ऊपर टारगेट करें और सोशल मीडिया के मदद से हम ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को गेन करें। तो अगर आप एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊँ, आप यूट्यूब पे जाइए, 10-12 वीडियो देखिए, 10-12 वीडियो में जितनी भी एड लगेगी ना उसमें से एक ऐड जोमेटो की होगी होगी, ये 90% का मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जोमेटो जो है ना वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और यहीं से वो बहुत ज़्यादा यूजर्स भी लेके आता है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। यही चीज़ स्विगी जो है वो नोटिस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसकी जो ब्रांड बिल्डिंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं बन पाई जितनी जोमेटो की बनी। स्विगी फर्स्ट मूवर था लेकिन जोमेटो फास्ट मूवर निकला और उसने पूरे मार्केट को एक तरीके से ग्रैब कर लिया। ये थी उनकी सेकंड वीकनेस कि उन्होंने ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी आप बोलोगे कि भैया ऐसा कैसे, उन्होंने तो कितनी अच्छी अच्छी मार्केटिंग कैंपेन चलाई हुई। लेकिन भैया सिर्फ मार्केटिंग कैंपेन से काम नहीं होता, आपको हमेशा ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में शामिल होना चाहिए। सोशल मीडिया का इन्होंने बिल्कुल भी इतना इस्तेमाल नहीं किया जितना इस्तेमाल जोमेटो आज के डेट में करता है, राइट। यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। इनकी जो तीसरी वीकनेस है वो है भैया वेरिएबल डिलीवरी चार्जेस। अब स्विगी क्या करता है, स्विगी जो है ना वो रेस्टोरेंट के लोकेशन के ऊपर और फूड अमाउंट के ऊपर ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो है ना वो डिलीवरी चार्जेस होता है ना अलग अलग तरीके से लेता है अपने उधर से। कभी वो 30 रुपये लेता है, कभी 45 रुपये लेता है, कभी 50 रुपये लेता है। तो उसके डिलीवरी चार्जेस होते हैं ना वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होते। ये उसकी एक वीकनेस बन जाती है क्योंकि कभी कभी पास की लोकेशन से भी अगर फूड आइटम मंगानी है और आइटम मात्र 60 रुपये की मंगानी है तो उसके ऊपर 40 रुपये का डिलीवरी चार्ज जो है वो लग जाता है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर जो है वो स्विगी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। उसके बाद में हुआ क्या, जोमेटो ने इस चीज़ को नोटिस किया। जोमेटो ने कहा कि भैया देखो हम जो है वो वेरिएबल डिलीवरी चार्जेस अब नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे आपसे 45 रुपये डिलीवरी चार्ज लेंगे। अब चाहे खाना कहाँ से मंगाओ और कितना भी अमाउंट का मंगाओ, 45 रुपये आपका डिलीवरी चार्जेस जो है वो देना फिक्स है। अब यूज़र को मालूम है कि भैया स्विगी से मंगाता हो तो हो सकता है 50 रुपये डिलीवरी चार्ज लग जाए, 55 रुपये डिलीवरी चार्ज लग जाए, लेकिन अगर जोमेटो से मंगाता हो तो 45 रुपये की गारंटी डिलीवरी चार्ज देनी ही देनी है, 45 रुपये में मेरा काम भी बन जाएगा। तो लोग जो है ना वे इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से भी स्विगी को छोड़ के जोमेटो की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे रीजन्स भी बहुत बड़े इम्पैक्ट करते हैं इन बड़े स्टार्टअप्स के लिए, राइट। तो ये थी उनकी तीसरी वीकनेस। इनकी जो चौथी वीकनेस थी ना वो ये थी कि ये अपने कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू को ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाए। ये कस्टमर कैलकुलेशन में इतने कुछ खास नहीं है, ये कस्टमर एक्विजिशन में काफ़ी अच्छे है, लेकिन दोनों के जो कस्टमर बेस है ना वो अलग अलग है।
कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है कि जब आपका कस्टमर आपके प्लेटफॉर्म पे आता है और वो पर्टिकुलर एक साल के अंदर कितना खर्च करता है और आप उससे कितना खर्च करवाना चाहते हो, इसे कहते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अगर आपने उसे 100 रुपये लाने के लिए खर्च किया है ना, तो आप ज़रूर उससे एक्सपेक्ट करोगे कि वो 500 रुपये का कम से कम आपके यहाँ से सामान खरीदे ताकि आपका पूरा पैसा जो है वो निकल आ जाए। तो स्विगी क्या करता है, कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर तो फोकस करता है लेकिन कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के ऊपर इतना फोकस नहीं करता जितना कि जोमेटो करता है। ये चीज़ हमें समझ में आती है इन दोनों के मंथली एक्टिव यूजर्स देखते हुए। जैसे कि स्विगी के जो मंथली एक्टिव यूजर्स है ना, वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है, लेकिन वही अगर मैं बात करूँ जोमेटो के मंथली एक्टिव यूजर्स के ना, तो वो लगभग 3 करोड़ के आसपास है, 3 करोड़ 23 लाख समथिंग इनके मंथली एक्टिव यूजर्स है। इसकी वजह से होता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि जो लाइफ टाइम वैल्यू होती है ना, वो जोमेटो ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से उसके पास ज़्यादा कस्टमर जो है वो रिटेन हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू स्विगी। अब इनकी जो 5th वीकनेस है ना, वो है भैया लो कस्टमर रिटेंशन। इनकी जो 5th नंबर की वीकनेस है ना, वो है भैया लो कस्टमर रिटेंशन। अब लो कस्टमर रिटेंशन मैंने इसलिए कहा क्योंकि भैया देखो, स्विगी अपने कस्टमर को अच्छे से रिटेन नहीं कर पाता, इसके वजह से उसके पास कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू अच्छे से अच्छे निकल के नहीं आती है, जिसके वजह से कस्टमर उसे छोड़ के जो है वो जोमेटो के पास चला जाता है। आखिर स्विगी ऐसा क्या करता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप देखो, मैं नया कस्टमर हूँ, अब मैं स्विगी के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाता हूँ तो स्विगी मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी ऑफर देता है, लेकिन जैसे जैसे मैं लॉयल बनता जाता हूँ ना, स्विगी उन ऑफर्स को हटाना चालू कर देता है। नॉर्मली ऐसे ऑफर्स देता है जो मेरी किसी काम की नहीं होती है, मेजोरिटी ऑफ यूजर्स की काम की नहीं होती है, माइनॉरिटी है उसके टारगेटेड ऑर्डर्स होते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड के ऊपर 10% डिस्काउंट, वो भी HDFC बैंक के, स्टेट बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर 20% का कैशबैक, ऐसे अलग अलग कार्ड की डिस्काउंट जो है ना वो प्रोवाइड करता है, जो कि एक माइनर यूज़र के लिए होती है, ज़्यादा यूजर्स के ऊपर, मेजोरिटी यूजर्स के पास ये क्रेडिट कार्ड नहीं होते हैं। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ जोमेटो की, तो जोमेटो भी ये वाला डिस्काउंट ऑफर जो है ना वो देता है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करता है, वो शुरुआत के अंदर जब यूज़र नया होता है तो उसे कहता है कि भैया 5 ऑर्डर 50% डिस्काउंट तेरे को देंगे। उसके बाद में वो क्या करता है, उस डिस्काउंट को कंटिन्यू करता है, 50% से कंटिन्यू नहीं करता है, वो क्या करता है, कभी 10% डिस्काउंट देगा, कभी 20% डिस्काउंट देगा, कभी 30% डिस्काउंट देगा, कभी 10% कैशबैक देता है पेटीएम के ऊपर, तो कभी 20% कैशबैक देता है पेटीएम के वॉलेट के ऊपर। तो ये ऐसी कैशबैक टेक्निक, ऐसी डिस्काउंट टेक्निक है जो है ना, वो जोमेटो जो है ना वो नॉनस्टॉप लगातार रहता है, मतलब कि इसका जो डिस्काउंटिंग लाइफ साइकिल है ना वो कंटिन्यूस चलता रहता है, वो बहुत रेयरली केस होती है कि आपको जोमेटो के ऊपर डिस्काउंट ना मिले। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर स्विगी, आप स्विगी के लॉयल कस्टमर बन जाओगे ना, तो आपको स्विगी कस्टमर यानी कि आपको जो है वो कस्टमर डिलाइट यानी कि डिस्काउंट देना एक तरीके से बंद कर देगा, धीरे धीरे वो जो है ना वो बंद कर देता है, जिसकी वजह से होता यह है कि यूज़र जो है ना वो एक तरीके से जोमेटो के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये मैंने पर्सनली जोमेटो के ऊपर भी नोटिस किया है और ये मैंने पर्सनली स्विगी के ऊपर भी नोटिस किया है कि स्विगी एक टाइम के बाद ऑफर देना धीरे धीरे कम कर देता है। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ जोमेटो की, तो जोमेटो से मैं अगर आज भी ऑर्डर करता हूँ और कल भी ऑर्डर करता हूँ, परसों भी ऑर्डर करता हूँ ना, तो तीनों दिन मुझे डिस्काउंट 100% मिलेगा, क्योंकि ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है। ये कुछ वीकनेसेस थी जिसकी वजह से जोमेटो जो है वो मार्केट लीडर बन गया। आज की डेट में जोमेटो के पास लगभग 45% का मार्केट शेयर है और वही स्विगी के पास जो है वो 39-41% का मार्केट शेयर है। अब ये जो मार्केट शेयर है ना, हर क्वार्टरली एक्चुअली फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे कि जोमेटो का जो मार्केट शेयर है ना, वो हर क्वार्टरली 45, 46, 48, 49 के आसपास भटकता रहता है। वही स्विगी का जो मार्केट शेयर है ना, वो 41, 39, 45, 44 तक जो है वो घूमता रहता है। ऐसे में ये दोनों प्लेयर जो है वो मार्केट में आज की डेट में बहुत ज़्यादा बड़े बन चुके हैं। लेकिन जब कोविड की सिचुएशन नहीं थी, यानी कि प्री कोविड जो था, यानी कि लॉकडाउन के पहले 2019 के, अगर मैं आपको मंथली एक्टिव यूजर्स बताऊँ तो वो जो थे किसके ऊपर, जोमेटो के ऊपर 4 करोड़ से अधिक थे, क्योंकि उस समय काफ़ी लोग जो है ना वो फूड ऑर्डर करते थे। लेकिन जैसे लॉकडाउन हो गया, जैसे पेंडेमिक आ गया, सेकेंड वेव आ गई, ये सारे वेव के अंदर ना काफ़ी लोगों ने फूड ऑर्डर करना बंद कर दिया, मतलब लगभग 1 करोड़ लोगों ने तो फूड ऑर्डर करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो भी कस्टमर बेस था वो दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर डिवाइड हो गया, जिसकी वजह से जो मार्केट शेयर है ना वो भी डिवाइड हो गया दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में। जोमेटो के पास 45, 46, 47, 48 हर क्वार्टरली ये जो मार्केट शेयर है फ्लक्चुएट हो जाता है, कभी इनके ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, कभी उनके ऑर्डर ज़्यादा होता है, बट जोमेटो जो है वो आज के डेट में मार्केट लीडर है। तो ये कुछ वीकनेसेस थी जिसकी वजह से जोमेटो मार्केट लीडर बन गया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।